गुड मॉर्निंग एवरीबडी. स्टैंडर्ड 7 चैप्टर 3 पार्ट 1 हम आज पढ़ेंगे. खिचड़ी पकाऊ छू, मतलब कि खिचड़ी पका रहा हूँ. बराबर, यहाँ पर हमने बहुत सारी बीरबल की बातें सुनी हुई है. बहुत चतुर है बीरबल और वो बहुत सी समस्याओं का हल भी निकाल देता है. तो उसकी बहुत सारी बातें हमने सुनी हुई है. यहाँ पर एक दिया हुआ है, खिचड़ी पकाऊ छू, मतलब खिचड़ी पका रहा हूँ. बीरबल एनी चतुराई माटे जानितो छे. अहीं अकबर बीरबल ने एक चतुराई की कथा आपेली छे. यहाँ पर एक अकबर और बीरबल की एक चतुराई की कहानी दी गई है. बीरबले एनी चतुराई थी अदेखा चौकीदार ने भूतपाट बनाव्यो. बीरबल ने अपनी चतुराई से एक अदेखा मतलब जो अच्छा देख ना पाता हो ऐसा जो वॉचमैन था उसको अच्छा बोधपाठ सिखाया. जुवान ने न्याय अपाव्यो, एक जुवान को न्याय दिलाया अने अकबर ने आँख खोली आपी और अकबर को जागृत किया. शियाळा ना दिवसों हता, मतलब ठंडे का मौसम था. कड़कड़ती ठंडी पड़ती हती, मतलब बहुत तेज ठंड गिर रही थी. दरबार में बैठा बैठा अकबर बादशाह ना मन में अनेक विचार अकबर बादशाह ना मन में एक विचार आयो. दरबार के अंदर बैठे बैठे अकबर बादशाह को मन में एक विचार आया. तेमणे दरबारीओने पूछ्यू, उन्होंने दरबारीओ से पूछा, महलनी पासेने तळमां आखी रात ठंडा पाणी में कोई उभो रहे खरो? उनको ये सुझा, उन्होंने बोला कि महल के पास में जो तालाब है वो तालाब के अंदर पूरी रात ये ठंड के अंदर पानी में कोई खड़ा रह पाएगा क्या? एक दरबारी भी बोली उठ्यो, नामदार दिल कोरी नाखे एवी ठंडी छे, बरफ जेवा ठंडा पाणी में उभा रहेवानी कोनी छाती चाले. क्या बोल रहा है कि नामदार दिल कोरी ना के भी ठंडी से, मतलब बहुत तेज ठंड है, बर्फ जेवा ठंडा, मतलब एकदम ठंडा पानी है, उसमें किसकी हिम्मत चलेगी वहाँ पर खड़े रहने की? उनाड़ा हो तो कोई ये भी हिम्मत करे, अगर गर्मी का मौसम हो तो कोई ऐसा हिम्मत करेगा? तो एक बीजो दरबारी बोली उठ्यो, खुदावंत पैसों अजब चीज है, इनाम की लालच है कोई जोखम खेड़े खरो? इनाम की लालच में आकर कोई ये जोखम उठाने को तैयार भी हो जाए? बादशाह मोटा इनाम की जाहिरात करी. बादशाह ने एक बड़े से इनाम की जाहिरात भी कर दी. 25 वर्ष का एक गरीब नौजवान ने आ इनाम की शर्त स्वीकारी. 25 साल का एक गरीब नवयुवान था, उसने वो इनाम की शर्त स्वीकार कर ली. अति बादशाह तालाब की चारे बाजू कड़क पहरो चौकी पहरो गोठवे, क्योंकि इनाम मिलने वाला था इसके लिए चारों तरफ चौकी बिठा दी. नौजवान आखी रात ठंडा पानी में उभो रहो. नौजवान पूरी रात ठंडे पानी के अंदर खड़ा रहा. सवार में बादशाह तळाव पास आने जो तो नौजवान पानी में उभो उभो प्रार्थना करता हो. सुबह में आके बादशाह ने देखा तो जो नौजवान था वो पानी के अंदर खड़ा खड़ा प्रार्थना कर रहा था. बादशाह तेने शाबाशी आपवा जता था. बादशाह उसको शाबाशी देने के लिए जा रहे थे, त्या एक अदेखो चौकीदार बोले, हजूर रात्रे मैंने तापता जोयो हतो. अदेखो मतलब जो अच्छा न देख पाए ऐसा जो वॉचमैन था उसने बोला कि हजूर रात्रे में एने तापतो जोयो हतो. नवजीवन बोली उठ्यो, हूँ तापतो हतो? आवो घोड़ो शा माटे गबड़ावे छे? हूँ तो आखी रात पानी में हतो, तू पोते एनो साक्षी छे. नवजीवन बोल उठा कि मैं कहाँ ताप रहा था, मतलब कि मैं कहाँ गर्मी ले रहा था, तू ऐसा गलत बात क्यों सुना रहा है? पूरी रात पानी में था, तू उसका साक्षी है, तूने भी देखा हुआ है. चौकीदार बोलियो, महल माथी आवता दीवाना प्रकाश तरफ नजर आखी तो नहोतो अबो? मतलब महल के अंदर जो दिया है उसके प्रकाश की तरफ तो नजर करके नहीं खड़ा था? भोड़ा जी ना जवाब, हाँ आखी रात दीवाना प्रकाश तरफ में नजर रखी थी. उसने बोला कि हाँ भाई पूरी रात मैंने दिए के प्रकाश की तरफ नजर रखी हुई थी. अदेखा चौकीदारे कहूँ, त्यारे तने दीवानी गर्मी मड़ी खरी ने? तो तू उसकी तरफ ही देख रहा था, तो उसकी गर्मी तो तेरे को मिली होगी ना? ये गर्मी मड़ी तेती तो तू जीव तो रहो, और उसकी वो दिए की गर्मी तेरे को मिली इसलिए तो तू जिंदा रहा है. हजूर आ मणस इनाम ने लायक नहीं. क्या बोल रहा है कि हजूर ये इंसान जो है वो इनाम के लायक नहीं है. नौजवान ने इनाम आपा बिना बादशाह त्या थी चला गया. नौजवान को इनाम दिए बिना ही बादशाह वहाँ से चले जाते हैं. तो नेक्स्ट आगे हम अगले पीरियड में पढ़ेंगे.